करने तो कुछ नहीं है यहाँ। मैं कहा था कि आपने अच्छा एग्जाम दिया था क्या रहा था 36% कॉलेज लौट सकते होंगे कम से कम 40-45 कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो उसका मॉडुलस क्या होता है मापा ऑड ऑफ जेड जिसको कह रहे हैं मापा क्या होता है फॉर्मूला चलो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक है ए प्लस आई बी दूसरा है सी प्लस आई डी अगर इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करके दिखाओ हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा है जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक हमारा होता है उसमें ठीक है अगर जेड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आई वाई है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ठीक है क्योंकि जिसके साथ आई लगा हुआ होगा वो ही इमेजिनरी होगा जब इनके हम मल्टीप्लीकेशन देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ये होता है समझ लो आप थोड़ा सा एडिशन जब करेंगे दो रियल नंबर पर जैसे कि एक नंबर हमारा ए प्लस आई बी है दूसरा नंबर हमारा सी प्लस आई डी है अगर इनका एडिशन करें तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट है रियल रियल में होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी यानी कि रियल प्लस रियल ऐड होगा एंड इमेजिनरी और इमेजिनरी ऐड होगा
ऐसा नहीं है कि रियल को इमेजिनरी के साथ कर देंगे और इमेजिनरी को रियल के साथ नहीं करेंगे, तो इससे आ जाएगा ए प्लस सी आई बी प्लस, ठीक है, ये एडिशन में हुआ, ऐसे ही ये है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल जो हमारा फॉलो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक तरह सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि हम जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे पॉलीनोमियल वगैरह करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन ए सी, ये क्या आएगा आई बी सी, ये क्या आएगा आई डी ए या ए डी लिख लो, और प्लस आई स्क्वायर बी डी, ठीक। आगे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आई बी सी आई ए डी माइनस बी डी, ठीक है। अब क्या है देखिए, ये इमेजिनरी है और ये रियल है, तो रियल को हम दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आई कॉमन लिया बी सी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन जो आई थी ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई सी प्लस आई डी, जो रियल पार्ट आएगा इसके और उसकी मल्टीप्लीकेशन ए सी माइनस बी डी, ठीक, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ए डी प्लस बी सी, यानी कि दोनों रिवर्स हो जाएंगे। जब रियल के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन ए सी माइनस बी डी, जब इमेजिनरी की बात करेंगे तो आई बाहर ए डी प्लस सी, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी हमें ये अरेंजमेंट ना करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है 2 प्लस 3 आई और 4 प्लस 5 आई की मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्या करेंगे 4 दूनी 8, 5 दिए 15, आई बाहर 4 दिए 12, 5 दूनी 10, कितना आएगा -7 प्लस 22, ठीक है। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, लिखना तो नहीं कुछ लिखना तो लिख लो, क्या कह रहे हैं? नहीं अगर आप हिंदी कहोगे हिंदी में चला दूंगा, बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ बच्चे, हाँ जिससे ऑलमोस्ट हिंदी पढ़ गए हैं, वो सारे 12th तक क्या है हिंदी पढ़ रहे। अब वहाँ पर मुझे वहाँ बताइए, आपने 1 साल तैयारी कर ली, ठीक है, कोई बुक है हिंदी में? अगर आप हिंदी में बुक ले रहे हैं ना, तो आप यूट्यूब से नहीं कुछ समझ सकते फिर, क्योंकि YouTube पर टोटल कंटेंट इंग्लिश इंग्लिश में है, या है कोई हिंदी को पढ़ाने वाला? तो मैथ की बात कर रहा है। तो अगर आप हिंदी के पीछे भागोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो रीजन है, अगर गिर पड़ गया आपने इंजीनियरिंग में, आपका एडमिशन भी हो गया वहाँ, फिर इंग्लिश मिलेगी सारी, फर्स्ट ईयर में सारा मैथ आपको इंग्लिश में मिलना है, तो बेहतर है इंग्लिश में, मैथ में इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, मैं इनका हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया करूँगा, ठीक है। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको आप हिंदी में पूछ लो, हिंदी में क्या गया तो हिंदी में बता दो, ठीक। अगर पेपर हिंदी में पढ़ना चाहो तो मैं पेपर हिंदी में पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी यूपी बोर्ड का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। एनडी की क्लास चल रही है मेरी उधर मैथ्स कॉलेज में, वो भी हिंदी हिंदी के सारे हैं, लेकिन उनको भी इंग्लिश में पढ़ा रहा, अब उन्हें हैबिट होगी, अब उन्हें दिक्कत नहीं आती। टेलीग्राम से मैं क्या करें,
अलीगंज की नहीं ऐसी हमारे पक्का लग तो गई थी वो आता दो तीन लड़कियां थी नहीं वहां ने तेरे को छुपा वो क्या होता बात ये अलग थी मैं कुछ नहीं कर रहा था यार मेरे को मीट वाले का दीजिए हां मीट वाले का स्पॉन अलग है क्या नाम है आपका डी मीट में बॉम्ब डाल रहा है संभाल लिया अपने ना उड़ कर अपने पास चल जाएगी नहीं और फिर अपना पंखी होगा कौन सी लड़की अलेवेंथ ट्वेल्थ वाली आप जो है लाला रखी आप जो है अलेवेंथ ट्वेल्थ के एनसीईआरटी हो गया आपके पास दोनों तीनों ये गले में किया तो कोई तो मैं आपकी रेस शुरू कर देने तो पढ़ा दिया था कॉम्प्लेक्स फर्क सेट हो जाएगा पर ये है कि मैं थोड़ा ओवरऑल भी आज कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ कल से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दूँ ये बात समझा चीज इम्पोर्टेंट है थोड़ा वो समझ लो और ट्वेल्थ के पर्पज से तो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं वो लेकिन इंजीनियरिंग के पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो अकेले रह रहे हैं और कोई साथी भी है एक मिनट में आ रहे हैं कितने में लिया आवाज हूँ देखिए आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जैसे एक तो होती है कॉम्यूटेटिव पता है किसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म विधि नियम ठीक है एक होता है असोसिएट सहचार्य नियम ठीक है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव इससे पहले एक होता है क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं सौरत नियम इसके बाद आता है आपका ये तीन लॉ है पहले तो आपने पढ़े होंगे नियम कहीं लिखे हुए देखे नहीं कहीं इस चीज में देखे देखिए ये नियम आपको बहुत जरूरी है क्योंकि जब सेट रिलेशन और फंक्शन पढ़ोगे वहाँ भी हमें इक्वलेंस रिलेशन जब प्रूव करते हैं तो वहाँ भी इनका यूज होता है कॉमन कई जगह यूज होता है पहले आप इन नियमों को अच्छी तरह समझो ठीक है जैसे कि फर्स्ट मैं बात करूँ क्लोजर का मान लिया मैं आपके आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कम से कम आपके लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर करूँ क्लास ज़्यादा होती तो शायद ये पॉसिबल नहीं था बता क्लोजर लॉ आज से इसको क्लोजर लॉ ही बोल लोगे आप ये समरथ नियम नहीं बोल लो ठीक है क्लोजर लॉ ये कहता है कि अब देखिए जितने भी ये लॉ लगते हैं नियम या एडिशन पे लगेंगे यानी कि जोड़ पे लगेंगे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड चार ऑपरेशन है ना हमारे अर्थमेटिक के यानी कि हमारी गणित की चार संक्रियाएं हैं जोड़ना घटाना गुणा भाग इन्हीं पर हम ये नियम बनाते हैं अब क्लोजर नियम क्या कहता है सबसे ये नियम मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ
सेट ऑफ एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, और ऑपरेशन ले लिया मैंने कौन सा जोड़ना, यानी कि एडिशन ले लिया, नंबर लिए मैंने नेचुरल, जो संक्रिया है या ऑपरेशन है वो ले लिया मैंने एडिशन। अब क्लोजर नियम क्या कहता है कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर के बीच में एडिशन लगाऊं, यानी किसी भी बात अगर मैं दो नेचुरल नंबर को जोड़ूं, तो जो जोड़ के आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही, समझ रहे, समरक नियम है, क्लोजर नियम ये कहता है कोई भी दुनिया के आप दो नेचुरल नंबर ले लो, अगर उनके बीच में एडिशन लगाए और जो नया नंबर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर, ये हुआ हमारा क्लोजर लॉ। कॉमिटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉमिटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉमिटेटिव इसको हम बोलते हैं कर्म विनय, कर्म कर्म ऑर्डर चलता है, वो ये कहता है कि एडिशन पे चल रहा कि अगर दो में तीन जोड़ू या तीन में दो जोड़ू दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि अगर उनका हम क्रम बदल दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एसोसिएटिव नियम क्या कहता है, एसोसिएटिव नियम ये कहता है, क्या कहता है कि अगर मैं दो में तीन प्लस चार करके जोड़ दूं, यानी कि पहले तो मैं तीन प्लस चार को जोड़ू फिर उसमें दो जोड़ दूं, या पहले मैं दो में तीन जोड़ू और फिर उसमें चार जोड़ दो, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, समझ रहे, ये आपका हो गया साहचर्य, ये किसको हुआ एडिशन। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन पे भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर की अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है ऑन नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ऐसे कह सकते हैं क्लोजर लॉ इज एप्लीकेबल यानी कि लागू है किसके लिए, फॉर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, अंडर एडिशन के है ना और मल्टीप्लीकेशन के भी है, क्लियर है, क्लोजर बिल्कुल सेटिस्फाई है, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई होगा नहीं दोनों में, मल्टीप्लीकेशन में भी, एसोसिएटिव तीनों चीज सेटिस्फाई होगी, ये चीज क्लियर है, एडि अब सब्ट्रैक्शन में बताओ सेटिस्फाई होगी नहीं, क्या सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर सेटिस्फाई है, सबट्रैक्शन में नहीं होने की, क्योंकि दो माइनस तीन कितना आ जाएगा माइनस वन, और तीन माइनस दो क्या आएगा, दो माइनस तीन आएगा माइनस वन जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी फेल हो गया, कॉमेटेटिव भी फेल हो जाएगा, ये टू माइनस थ्री और थ्री माइनस टू डिफरेंस है, इसी तरह एसोसिएटिव भी फेल हो जाएगा, इसी तरह से डिवाइड पे भी ये फेल हो जाएगा, तीनों लॉ क्लियर हुए, देखना हो लिख लो उसमें से अगर नहीं है तो बात, क्योंकि ये लॉ आपको कई जगह मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे।
पे सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ कंप्लीट। दूसरा ही चल रहा है क्वाड्रेटिक होता है प्लस और एक मैट्रिक्स से, लेकिन ये अगर अगर आप रेगुलर आओगे तो आपको सारे टॉपिक करा दूंगा मैं। ले अपना कैसे भी ये एक सवा घंटा निकाल लो आप। हैं क्यों इसलिए साथ की किस लिए जरूरत है बताओ मुझे। इस रास्ते को आप निकले हो उसको साथ नहीं मिलने का। जहाँ से आप आए होंगे वहाँ नहीं कोई साथ मिला होगा जल्दी से, ठीक है। ये इंजीनियरिंग के सी डगर है भाई, यहाँ हर एक के बस के आसान काम नहीं है। नीट में चले जाते हैं आसानी से क्योंकि वहाँ से टेक्निकल कोई ऐसी की खास चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ना कहता मैं ही ला के रख देता है। मैं उसी चीज़ को तो कह रहा, आप अगर अकेले वो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको इस तरह की क्लास अगर कहीं आप पूरा पैकेट 1.5-2 लाख में भी लोगे ना तब भी नहीं मिलेगी। रीज़न है जो आपकी डिफिकल्टी है वो पूछ सकते हो, और जो आपका लेवल है किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ आप क्लास में 1.5 घंटा बैठना या 1 घंटा बैठना, जैसे अंदर गए थे ना वैसे ही बाहर निकलने, क्योंकि आपका लेवल है बहुत लेवल डाउन है आपका। आपने 1 साल तैयारी भी कर ली, 12th भी कर ली, आपका लेवल अच्छे उसको होना चाहिए था लेकिन वहाँ नहीं है फिलहाल। समझ में नहीं आया कि 1 साल आपने किस तरह से तैयारी की क्या की, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप एटलीस्ट मेरे से 5-7 लेक्चर पढ़ के देखो, आप उसके बाद देखना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने में नहीं। बाकी अगर आपको साथ चाहिए फिर अपना देख लेना कहीं कैसा क्यों होगा। देखिए एक वर्ड आता है आइडेंटिटी, क्या आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आपको पता ही होगा, वैसे तो आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है, जैसे कहते हैं ना कि आइडेंटिटी कार्ड दे दो पहचान दो, ठीक है। हमारी UIDI चला या आधार कार्ड, ये भी आइडेंटिटी है हमारी, पहचान का हमारे जैसा ही तो है वो भी भाई। अगर हम किसी को आधार दिखा दें वो बता देगा हमें फला आदमी, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं तत्सम, क्या बोलते हैं तत्सम, ठीक। अगर मैं यहाँ पे वही नेचुरल नंबर की बात करूँ, ठीक, नेचुरल नंबर पे अगर मुझे निकालना हो योग तत्सम, ये तो पढ़ा होगा तत्सम, तत्सम नहीं पढ़ा नहीं। ये वो बेसिक चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में तो आती हैं, नॉर्मली 11th 12th में छोड़ देते हैं, कोई इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि रीजन क्या है कि क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहता है, कोई एग्जाम में आएंगे कंसेप्ट आते नहीं 11th 12th में। अब जब आप कंपटीशन की तैयारी के लिए जाओगे फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन बाद में करोगे। तो योग तत्सम, अगर कोई नेचुरल नंबर सपोज करो हमने 5 ले लिया, ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 का योग तत्सम ऐसा नंबर होगा जिसको इसमें जोड़ दे, यानी कि यहाँ मैं 3 का ब्लैंक कर दूँ, ऐसा क्या नंबर जोड़ू कि वो स्वयं यही आ जाए, क्या जोड़े जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन एन पे सेटिस्फाई नहीं होगी, हम ले लेते हैं डब्ल्यू पे होल नंबर, होल नंबर में 0 आ जाता है, ठीक। होल नंबर ले लो या सीधे आप इंटीजर ले लो, इस पे सेटिस्फाई है। तो किसी भी नंबर में क्या जोड़े वो नंबर स्वयं आ जाए, मान लिया 0 है, ठीक। तो यहाँ पे जो है 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है,
यानी कि लोग तत्समक है, किसके लिए, इंटीजर के लिए कह लो, चाहे होल नंबर के लिए कह लो, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर ही क्यों ना हो, क्योंकि रियल नंबर भी कोई भी किसी में भी अगर आप जोड़ो, जीरो जोड़ोगे तो वह नंबर स्वयं, ठीक। ये तो हुआ योग तत्समक। अब निकालता हूं मैं योग व्युत्क्रम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। ये तो पढ़ा होगा कहीं, इनवर्स निकालना। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसमें था? हाँ वो अलग इनवर्स है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पढ़ो आप, योग व्युत्क्रम। एडिटिव इनवर्स किसी भी संख्या का ऐसी संख्या होगी अगर उसको उसमें ऐड कर दिया जाए तो योग्य तत्समक। देखो अब एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, पहले मान लिया हमारे पास कोई संख्या है, ठीक, इसमें हम क्या जोड़ें, संख्या ही जुड़ेगी कि हमारा योग तत्समक आ जाए, क्या आ जाए, समझे। कोई संख्या ले ली, मान लिया 5 ले ली, अब 5 में क्या ऐड करें कि योग तत्समक क्या होता है, 0, कि 0 आ जाए, क्या जोड़ेंगे इसमें, माइनस के 5, ठीक है। इसलिए जो 5 का एडिटिव इनवर्स है वो -5। कहने की तो सिंपल बात है भाई, उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो इनवर्स आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि संख्या में क्या जोड़े कि योग तत्सम। लिख लो साथ, क्योंकि थोड़ी एक चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अभी, ये अभी एडिशन का बता रहा हूँ, फिर मल्टीप्लीकेशन का बताऊंगा।
मल्टीप्लीकेटिवली आइडेंटिटी। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? ये अभी इससे पहले पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कौन सा नंबर था? जीरो था ना। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो? ठीक, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज वन। ठीक, अब यहीं से निकालता हूं मैं मल्टीप्लीकेटिव दो में इसकी मल्टीप्लीकेशन करें कि एक आ जाए, ये वही है ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे वहां क्या था एडिटिव इनवर्स, वो एडिटिव आइडेंटिटी था, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो दो में किसकी मल्टीप्लीकेशन करेगी बनाए? बताइए दो में किसकी मल्टीप्लीकेशन करें कि वन आ जाए? वन नहीं, लेकिन यहाँ हम n हटा के r ले लें क्योंकि 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हमें अब रियल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें तो 1/2 कर दिया। तो हम लिख सकते हैं 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट कर लो। ये सारी प्रॉपर्टी आपको सेट में भी मिलेगी, जब सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एल्जेब्रा का और पोर्शन भी है उसमें भी आपको मिलेंगे। और ये अब पढ़ते हैं ये सारी प्रॉपर्टी हम किस पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है? आती है होल नंबर में है? एक चीज अच्छी तरह समझ लो क्योंकि आगे आपको वहां एन और आर ये इस तरह लिखे हुए होंगे, वहां नंबर नहीं दिखाने का, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें संख्या है या नहीं। देखिए जो हमारा सेट है नेचुरल, इसका इसको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं।
ठीक है, इसमें जो हमारी संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4 up to इनफाइनाइट, यानी कि टोटल सारे संख्याएं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। क्या जीरो से काउंटिंग होती है? नहीं। माइनस नंबर से होती है? नहीं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनको हम पूर्णांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक भी ना कह देते हैं। ठीक, अब इसमें 1, 2, 3, 4 में अगर मैं इस लाइन में जीरो और मिला दूं, क्या मिला दूं? तो फिर ये बन जाते हैं पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? तो पूर्णांक हुए, नेचुरल नंबर हुए। जैसे ही इस साइड में जीरो ऐड हुआ वो बन गए पूर्ण संख्याएं, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष निकला जो W है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तो यहाँ W लिख लो आप, ये N है, ये तो N है और ये W है। अगर W में हम 0 और N कर लें तो ये आपका होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम नहीं चलता, मैं तो होल नंबर छोड़ा है। ठीक, इसी लाइन में आ गया अगर हम -1 -2 -3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक चले जाए, माइनस जा सकते हैं। तो ये जो सेट बना, सारी जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें माइनस इनफिनिटी 0, 1, 2, 3 इनफिनिटी आ गया, इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक से हाँ, धनात्मक पूर्णांक है तो कुछ करेगा आप। तो ये बन गया सेट ऑफ इंटीजर, जिसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए पूर्णांक में कौन सी आएगी? माइनस इनफिनिटी टू प्लस, यानी कि अगर मुझे जेड या आई लिखना है ये सीधा सीधा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी तक के सारे जितने नंबर हैं सारे हमारे आ गए, इन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। यहीं पर अगर पूर्णांक में बात करें, अगर जेड प्लस या आई प्लस लिख दिया तो सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। ठीक, और अगर माइनस लिख दिया तो सारे नेगेटिव आएंगे। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक। ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद कौन सा सेट आएगा बताओ? रियल नंबर। ठीक, अब हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी भी है, कैसे 1/2, 5/7 या 1001/5, ऐसी भी संख्याएं हैं। तो जब ये सारी संख्याएं साबित करते थे और ये चीज सारी शामिल करते हैं जवाब, ये जो सेट बनेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ये होता है रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर यानी कि प्रिमेय संख्या। क्लियर, या सीधे बात करें कि जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें क्या आ गया? सबसे भी जेड ही चल रहा था ना, सबसे बड़ा जेड प्लस जितने भी पी अपॉन क्यू की होंगी, जहां पी और क्यू क्या है? ये इंटीजर है, पूर्णांक है, एंड क्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहां तक क्लियर है? अब इसके अलावा कुछ और संख्याएं भी हमारी रह रही। कैसी रह रही? सपोज करो कहीं पे √2 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है या √7, यानी कि रूट वाली क्वांटिटी है,
या हो सकता है क्यूब रूट फाइव लिखा हुआ, कुछ भी नंबर हो गए, या मैं एग्जैक्ट नहीं पता। तो जब इनको शामिल कर लेंगे, ठीक, जब यहाँ सेट करेंगे तो रेशनल के साथ साथ अब ये संख्या बनने पड़ गई इरेशनल, ठीक है। अब देखो ये जो सारा ताम झाम हुआ, नेचुरल नंबर ये इंटीजर बने, यहाँ पे रेशनल हो गए, ये इरेशनल, ये नंबर सारे कैसे हैं, ये इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल हुए। और ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, अब इनको हम सबको नाम दे देंगे एक तरह से, ये सारी रियल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, क्लियर है। बन गया हमारा डायग्राम, तो वास्तविक संख्या में सारी चीजें आ गई। अगर हमारे पास कुछ हम काल्पनिक संख्याएं मान ले, इमेजिनरी आई वाली जोड़, सपोज करो यहां मैं लिख दिया 2 + 3i, 6 + 5i, ठीक, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनको भी अगर शामिल कर लो तो सारा का सारा सेट जो एक तरह से बन गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए ये है 4 लिखा हुआ, तो 4 को मैं आयोटा प्लस 0 लिख दूं, हर चीज को 1/2 + आयोटा + आयोटा 0 करके, आयोटा डॉट 0 करके सब में जोड़ सकता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से कंसेप्ट निकलता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट किसका है, होल नंबर का, ये छोटा है ये बड़ा है, होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर किसका सेट है, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का, और रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है, समझ रहे। 10th तक ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन 11th में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिख लो। कुछ क्लियर हुई है संख्याएं, क्योंकि सेट मिलेंगे आपको, आपके पास संख्या नहीं मिलेगी। पहले भी पढ़ा आपने कहीं पर डायग्राम समझा रहे थे, बता रहे बेटा पहली नहीं कोटा ठीक नहीं करा जाएगा, कोटा भी जाकर पैसे बर्बाद हो गया, क्योंकि कोटा भी वही जा पाएगा वही कर पाएगा जिसका बेसिक बहुत जबरदस्त, यानी पैसा बाउंड करना है। परसेंटेज परसेंटेज रिलेशन नहीं होता,
वाला बात है, लेकिन बात यह है उस बात का हो रहा है कि आपको 1 साल हो गया पढ़ने पढ़ने तैयारी करते हुए और आप अपना बेस नहीं क्लियर कर पाए। एनसीईआरटी आपकी भी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपका चुटाव नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी। कल क्लास बन जाएगी ना? तीसरी हमारी है एसोसिएटिव, चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पांचवा है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन हम ले रहे एडिशन। ठीक, सेट हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई,
सबसे पहले हमने जो आपको समझाया बेसिक वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या रियल नंबर पे समझाया। अब हम ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का मतलब है अगर कि नहीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो ऐड करने का नया नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अगर हम ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी आई और बी प्लस डी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या कहता है, यदि इन दो नंबर को ऐड करूं या तो इन्हें ऐसे ऐड करूं ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस ए प्लस आई, तो ये भी कॉम्यूटेटिव है। ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या कहता है, अब यहाँ अगर मैं नंबर को इसको मान लूँ मैं जेड वन, इसको मान लूँ मैं जेड, ठीक है, तो ये जो एक नया नंबर आया ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने यहाँ जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड इक्वल टू जेड टू प्लस जेड, आपकी कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हमें कितने कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तीन। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जेड वन प्लस जेड प्लस जेड थ्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, नहीं एक नेचुरल नंबर ले लिया था, जैसे हमने वहाँ पे क्या दिखाया था, फाइव दिखाया था। तो यहाँ भी जैसे जेड वन की फॉर्म में ना लेके एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में ले लेते हैं जैसे ए प्लस आई, मान लिया हमने ले लिया ए प्लस आई, ठीक, क्या निकालना हमें इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ये सेम स्वयं अपने जैसा इटसेल्फ है अपने आप ऐसा ही आ जाए। अब इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़ेंगे, ये वाली जीरो, इसमें जोड़ेंगे ये वाला पूरा, तभी तो उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। अगर सिर्फ ये जीरो लिख दूं इसका मतलब ये रियल नंबर में आ गया। अब आयोटा लगा के भले ही इसका कोफिशिएंट वैल्यू इसकी सारी की जीरो है, लेकिन दिखाने के लिए हम दिखाएं। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है किसी भी नंबर की वो ये है, आप समझ लो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो हमारी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडर एडिशन वो है जीरो प्लस आयोटा, ठीक है, वहाँ जीरो आया था यहाँ ही आ जाए। अब मैंने आपको चीज़ें नेचुरल नंबर पे समझा दी थी तो ये समझने में आसान हो रही है, अब तो कोई एकदम नई चीज़ नहीं लग रही। अगर मैं डायरेक्ट आपको यही ये बताता अब वो चीज़ आपको पता नहीं तो ये चीज़ें फिर कंफ्यूज कर, ठीक है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें ए प्लस आई बी में क्या जोड़ू कि जीरो प्लस आयोटा जीरो आ जाए, माइनस ए माइनस आयोटा, ठीक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए प्लस आई, ठीक। क्लियर होगा इस तरह से ये एडिशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस आई बी का एडिटिव जो इनवर्स है वो हमारा है माइनस ए प्लस आई। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एडिटिव को तो शायद ना दे क्योंकि बहुत ही आसान चीज है,
लेकिन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेता है, जैसे मान लिया उसने दे दिया 2 + 3 i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, कौन सा ऑप्शन दे देगा? वो भी बताऊंगा, भी एडिशन पे ऐसे नोट कर लो, क्योंकि बुक्स में अगर आप देखोगे थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ छोटे बच्चे को लोगे सर, पूरा एनडीए पर रहेगा, वो छोटे बच्चे को लोगे। हाँ 12-13 बच्चे हैं। उनका दोस्त आ रही थी, क्या नाम है? नाम तो पता नहीं, तो उसके पापा का नाम है जिम्मी सिंह, उसके पापा का नाम जी बुला रही थी। कल ही मिला था ऑफर सो, उसका मेरा वही क्लास चल रही है। अच्छा गंगो का है लड़का, पतला था वो? हाँ जी गंगो की है जी। और अदौर का लड़का जो वो है का? शायद नहीं है, उसका नाम उसके पापा का नाम सुंदर है। पतला सा है, ऊंचे से विचार है भाई, कुछ इस तरह का ही है ना लड़का, है पतला सा है। नहीं इसके अंदर तो कुछ है, इसे होना चाहिए। हम दे भी करा दी थी, इसे एक ही बैच हो गया, नहीं देना कोई
यहीं पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई होगा अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कॉमेटेटिव भी सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव ही होगा। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब कोई नंबर ए प्लस आई बी है, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जब आइडेंटिटी निकालना, यानी कि ऐसा क्या नंबर की से हम मल्टीप्लीकेशन करें कि ये स्वयं आ जाए, इसी करेंगे 1 प्लस आयोटा आयोटा जी। अगर 1 लिख देंगे यहाँ तो 1 प्लस आएगी, अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे ये नहीं आएगा, क्योंकि ये समझो अगर 1 की इसमें मल्टीप्लीकेशन की तो सेम एज इट इज आ जाएगा ना, और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमने आयोटा जीरो यहाँ पे इसमें लिख करके देख लो, यही आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें किसकी मल्टीप्लीकेशन करें क्या जाए, 1 प्लस आयोटा जीरो, वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ए प्लस आई बी का जो इनवर्स होगा का मल्टीप्लीकेटिव, जो इनवर्स होगा वो होगा 1 अपॉन ए प्लस आई, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जेड बराबर, जेड का जो इनवर्स होता है वो 1 अपॉन जेड, अब जो इनवर्स निकाला हमने ये आयोटा जो है हर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, इसको यहां से खत्म करेंगे, इसको सिंपल, अब इसका हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, यानी कि जो भी क्वांटिटी है वो सब न्यूमरेटर में होंगे, डिनोमिनेटर से हमें खत्म करेंगे। अब डिनोमिनेटर से कैसे खत्म करें, देखिए एक होता है संयुग्म में पढ़ाया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो संयुग्म में, हाँ, कंजुगेट, वो तो रेशनल आई बोलते हैं, कंजुगेट किसको बोलते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ए प्लस आई बी है, इसका जो कंजुगेट होगा उसको बार जेड बोलते हैं, ठीक, वो होता है आई की जगह माइनस आई रिप्लेस कर, ठीक। अब हमारे पास आया जेड इनवर्स इक्वल 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन ए प्लस आई। अब जब सी बटे में आई हो या रूट की कोई संख्या हो तो उसको हम करते हैं रेशनल आई, क्या करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, सरलीकरण कैसे करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, इक्वल ऊपर तो आएगा ए माइनस आयोटा बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो ए स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये सारा क्या हो जाएगा प्लस, जो आया। अब इसके जो डिनोमिनेटर को अलग अलग से इसको भाग करके ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ए प्लस आई बी का इन्वर्स। समझ रहे? अब हमसे कोई पूछे कि 2 प्लस 3 आई का इन्वर्स क्या होगा, फार्मूले से देख पाएंगे, 2 अपॉन 2 दूनी 4 और 3 किया 9, √13 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, 2 अपॉन 13, ठीक, माइनस ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, 3 किया 9, 2 दूनी 4 13, 2 बटे 13 माइनस आयोटा बी की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 13, या 1 अपॉन 13 कॉमन ले लो, 2 माइनस 3 आई इसका इनवर्स। ठीक है, अब आप जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना बुक से पढ़ गया ना, ठीक है, इसे नोट करो। इतनी बारीकी से पढ़ा जाएंगे 25 लाख नहीं हो जाएंगे का, फिर वो अपने आप में पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या कह रहा, अगर आपको इस तरह से पढ़ा दिया गया फिर आपको किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहने की ना, आगे आप सारी चीज अपने आप समझने लगोगे, बुक अपने आप पढ़ने लगोगे, सोल्यूशन समझने लगोगे। अब वो कोचिंग सेंटर वालों को करना नहीं ना ऐसा। हाँ हाँ कोई नहीं।